आप देख सकते हैं ये 8.4 प्रश्नावली का जो 5 का 7th प्रश्न है, इसमें दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे और राइट हैंड साइड हमको प्राप्त होगी। देख सकते हैं आप जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें से अंश तथा हर से जो अंश में आप देख सकते हैं साइन थीटा कॉमन मिलेगा और जो हर है इसमें भी कॉस थीटा कॉमन मिलेगा। जब अंश से आप साइन थीटा कॉमन लेंगे तो जो ये साइन थीटा है इसको साइन थीटा से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा। इसी तरीके से जब 2 साइन क्यूब थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा लिखा है और यहाँ पे कॉस थीटा लिखा है, इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कॉस थीटा आएगा, यानी दोनों में से जो कॉमन मिलेगा वो कॉस थीटा मिलेगा, तो यहाँ कॉस थीटा लिखेंगे। फिर 2 कॉस क्यूब थीटा को जब इस कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, माइनस कॉस थीटा को जब हम कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अंश और हर है इसमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो हम क्या करेंगे जो अंश में साइन स्क्वायर थीटा है इसको कॉस स्क्वायर में बदल देंगे। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर जब कॉस स्क्वायर थीटा को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप देख सकते हैं जो अंश है इसमें जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको हम पहले खोलेंगे तो 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 से भी होगा और 2 का मल्टीप्लीकेशन कॉस स्क्वायर थीटा से भी होगा और ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए अंदर के चिन्ह साइन जो है वो बदल जाएंगे, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 हो गया, इसका साइन भी चेंज होगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई कॉस स्क्वायर थीटा तो उसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे और ये आपका आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अंश में आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस का 1 है ये माइनस का 2 है, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस का 1 आएगा, तो इसको लिखेंगे साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सॉरी, आप देख सकते हैं अंश और हर से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा और ये 10 थीटा के इक्वल होता है। थैंक यू।